अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि फंगल इन्फेक्शन क्या है, उसका इलाज क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पब्लिक मैसेज देना चाहूंगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर दें, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो हैं आज के सफर की तरफ। प्लीज इस मैसेज को आप लाजमी फॉलो करेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों से इल्तिमास है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जो आजकल वायरस आया हुआ है, बराए मेहरबानी एहतियात जरूर अपनाएं, फेस मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें और बेवजह घरों से बाहर मत निकलें। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे काफी दोस्त इस वायरस का शिकार हो चुके हैं और आजकल वो जिंदगी मौत की कश्मकश में हैं। और मेरी आपसे दोबारा इल्तिमास है कि आप इस मैसेज को लाजमी फॉलो करेंगे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी हाँ, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंगल क्या होती है। जिस तरह वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं, इसी तरह फंगल फंजाई भी होते हैं। ये ज्यादातर वहाँ ग्रो होते हैं जहाँ नमी बहुत ज्यादा होती है और रोशनी बिल्कुल भी नहीं होती। ये ज्यादातर वहाँ हमला करती है जो बहुत ज्यादा लोग शूज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ नमी बहुत ज्यादा होती है और रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुँचती। और उन लोगों पर भी हमला करती है जो पाँव को धोते हैं और बाद में खुश्क नहीं करते। अगर इसकी अलामत को देखा जाए तो स्किन व्हाइट कलर की हो जाती है और ऐसा ऐसा उतरना शुरू हो जाती है और ये बाज़ूकात बाजू के नीचे भी हो जाती है। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। ये दो क्रीम्स हैं, नॉर एन क्रीम प्लस क्लोट्रियम, दोनों आप जिस के मुतासर हिस्से पर अप्लाई करेंगे। साथ में ये कैप्सूल फंगोन वीक में एक दफा यूज करेंगे और 3 माह तक आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। ये ज्यादातर बच्चों पर भी हमला करती है, ये ज्यादातर बच्चों के सर को मुतासर करती है, इसका इलाज भी हम आपको बताएंगे। ये दोनों क्रीम सैनलॉर एन क्रीम प्लस क्लोट्रियम, ये आप दोनों अप्लाई करेंगे और साथ में सिरप एम्पिसरीन और सिरप ज़ेराटिक और आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ये जो क्रीम्स है ये आप 3 माह तक इस्तेमाल करेंगे और सिरप जो है ये आप 5 दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह ये दोबारा कभी भी नहीं होगी। अब इसकी एहतियात क्या है, जब भी आप पानी का इस्तेमाल करें तो फौरन खुश्क कर लें। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको भी नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।